पावर स्टार पवन सिंह की लाइफ बड़ी ही कॉन्ट्रोवर्सियल है। आए दिन कोई न कोई कॉन्ट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी रहती है और आजकल पवन सिंह के जो हेटर्स हैं उनकी लिस्ट काफ़ी बढ़ गई है। खैर, हम आपको बता दें कि पवन सिंह की आज हम पर्सनल लाइफ की बात करेंगे और उनकी चाची से मिलवाएंगे आपको। जी हाँ, जिनके साथ पवन की फ़ोटोज़ आप बहुत ही कम देखते होंगे। जी हाँ, पवन के फैमिली मेंबर के साथ पवन की फ़ोटो बहुत ही कम आती है, बहुत ही कम मीडिया में वो सर्कुलेट होती है और जब भी होती है वो वायरल हो जाती है। लोग उनके फैमिली मेंबर को देखना चाहते हैं, लोग उनसे रूबरू होना चाहते हैं। खैर, यहाँ पर हम पवन सिंह के चाची की बात करेंगे। तो देखिए, पवन सिंह की जो चाची हैं, पवन सिंह इन अपने पैतृक गांव गए हुए हैं और वहीं पर अपने चाची के घर गए और यहां पर पवन सिंह ने बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और तो और, बहुत ही लंबे समय बाद जब वो लोगों से मिले तो काफ़ी समय यहां ठहरना हो गया। वैसे आजकल पवन सिंह अपने कई गानों को लेकर भी सुर्खियों में हैं, फिर वो चाहे मीठा मीठा बात है कमरिया 2 हो या फिर सिंगल पलंगिया हो, इन सब को व्यूज़ अच्छे मिले हैं जिस वजह से पवन सिंह सुर्खियों में हैं। पवन सिंह की जितनी भी फिल्मों की शूटिंग है रोक दी गई है, फिर जैसे ही कोविड के मामले फिर कम होंगे फिल्मों की शूटिंग अपने तय तारीख पर और नियमानुसार स्टार्ट ही हो जाएगी। और हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि पवन के अभी 5 गाने और आने बाकी हैं। जी हाँ, और जल्द ही पवन का एक और रोमांटिक सॉन्ग लोगों के सामने आएगा। वैसे पवन सिंह के आजकल कई ऐसे सॉन्ग आ रहे हैं जो 2 घंटे में 3 घंटे में ही 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर जा रहे हैं, वायरल हो जा रहे हैं। उनके फैंस के बीच पवन की एक अलग ही इमेज बन चुकी है। और तो और, पवन सिंह के फिल्म घातक की भी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है कि वो कब YouTube पे रिलीज़ होगी। तो जैसे ही ये सारी फिल्में और सारे गानों के जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे, हम आपको बराबर इन अपडेट को देते रहेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।